Hello student, today we will take the chapter number 8, Hashmina's Butterfly, class 6th. Butterfly के बारे में हम सभी जानते हैं, आइए कुछ और जानते हैं. एक रात हश्मिना ने सपना देखा कि उसने हॉकी मैच जीत लिया है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में. और जैसे ही वो ट्रॉफी को रिसीव करने जाती है, वैसे ही उसका अलार्म उसको इंटरप्ट कर देता है. वो उठकर सीधी स्टडी टेबल पर जाती है जहां उसने एक बटरफ्लाई को एम्प्टी जैम बॉटल में रखा हुआ था. वो साइंस प्रोजेक्ट था जो उसको जमा करना था, क्योंकि स्कूल में बोला गया था कि हर एक बच्चा अपना एक साइंस प्रोजेक्ट जमा करेगा. बाकी बच्चों ने तो डायग्राम के थ्रू उसको डिस्क्राइब किया था, लेकिन हाशमिना का प्रोजेक्ट पूरी तरह से लाइवली था. बटरफ्लाई पर जो कलर्स जो थे उसकी विंग्स पर बहुत ही खूबसूरत थे, और बटरफ्लाई को सांस लेने के लिए हश्मिना ने बॉटल में छेद कर दिए थे, उसके लिड में छेद कर दिए थे जिससे कि वो सांस ले सके. और उसमें कुछ उसने टेंडर लीव्स भी डाल दिए थे. वो जल्दी से फटाफट से ड्रेसअप होती है और स्कूल के लिए रवाना होती है. वो रश्मि आंटी के गार्डन के पास से होकर गुजरती है जहाँ उसने देखा कि झाड़ियों में बहुत सारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं. जब वो स्कूल पहुँचती है तो उस समय गेट ओपन नहीं हुआ था और ज़्यादा बच्चे भी नहीं आए थे. वो सीधे अपनी क्लास में जाती है और बॉटल को विंडो सिल पर रख देती है जिससे कि वो बटरफ्लाई को आराम दे सके, उसको नेचुरल एयर दे सके. जब टीचर आते हैं क्लास में तो वो देखते हैं कि आज हश्मिना ने लाइव प्रोजेक्ट सबमिट किया है. उस लाइव प्रोजेक्ट को देखकर दूसरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं. जब हश्मिना घर लौटती है तो उसने सोचा कुछ और इंसेक्ट्स बॉटल में रखे, लेकिन वो जानती है कि बटरफ्लाई को इनफ स्पेस की ज़रूरत है. रात में अचानक उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि बटरफ्लाई बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है. वो उस पर कुछ पानी छिड़कती है और बटरफ्लाई थोड़ी सी शिवर्ड होती है, लेकिन वो वापस से स्टिल हो जाती है. हश्मिना को समझ में नहीं आता कि वो उसके लिए क्या अच्छा कर सके जिससे वो फील बेटर हो सके. हश्मिना बॉटल को अपने हाथ में टाइटली पकड़ती है और विंडो के पास जाती है. विंडो के पास बटरफ्लाई को फ्रेश और कूल एयर दे सके, इसलिए वो बॉटल का लिड ढक्कन खोल देती है और बटरफ्लाई धीरे धीरे मूव करना चालू कर देती है. ऐसा लगता है जैसे वो गहरी नींद से जागी है. लेकिन अचानक उसी वक्त बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है और एक कोकोनट जो है वो गार्डन में गिरता है. हश्मिना का ध्यान उस आवाज़ पर जाता है और जैसे ही वो वापस अपनी बॉटल को देखती है तो बटरफ्लाई उस बॉटल में से उड़ चुकी थी. उस एम्प्टी बॉटल को देख के हश्मिना के दिल में थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि बटरफ्लाई अब वापस अपने नेचर में पहुंच गई थी. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Keep listening, keep learning.